प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मिलावटखोरों पर एक बार फिर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में टीम ने एक चॉकलेट फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां भारी अनियमितताएं देख अधिकारी भी चौंक गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन का शिकंजा, कैंडी व लॉलीपॉप रैपर पर लगाया जा रहा था टेलकम पाउडर, गंदगी में तैयार की जा रही थी चॉकलेट, छापे से मचा फैक्ट्री में हड़कंप। दरअसल मिलावटखोरी की शिकायत अब आमजन भी करने लगे हैं। ऐसी ही एक शिकायत मिलने पर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने पालदा क्षेत्र में केएस इंडस्ट्रीज पर दबिश दी। टीम यहां पहुंची तो अनियमितताएं देख सकते में आ गई। बच्चों के लिए बनाई जाने वाली कैंडी व लॉलीपॉप रैपर न चिपके इसके लिए टेलकम पाउडर लगाया जा रहा था, साथ ही गंदगी में चॉकलेट तैयार की जा रही थी। मामले में खाद्य सुरक्षा निरीक्षक राजू सोलंकी ने कहा कि गंदगी में खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा था। बनाए जा रहे प्रोडक्ट की लेबलिंग पर भी दूसरा एड्रेस मिला है। फैक्ट्री से 7 नमूने लिए गए हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जो निर्देश माननीय कलेक्टर सर के द्वारा दिए गए हैं, उसी तारतम्य में आज ये जो KS इंडस्ट्री है, ग्राम पालदा में स्थित है, एक कन्फेक्शनरी की एक फैक्ट्री है, इसका टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यहाँ पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण होते पाया गया। साथ में जो है कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जो इस फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। एक टाल्क पाउडर मिला है, एक गम मिक्स हमको मिला है, गम मिक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिसका उपयोग ये लोग इसके इन्ग्रीडियंट्स के रूप में कहीं करते हैं। और साथ में हम लोग अभी यहाँ पर जो है 7 सैंपल्स जाँच में लिया है, और जो पैकेट है इनका, इस पैकेट पे यहाँ का पता न अंकित होके कुछ एक यूरो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का पता अंकित किया गया है मैन्युफैक्चर्ड बाय में। अब ये कहाँ है ये भी कहीं नहीं लिखा है, मतलब जो एड्रेस पे कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए मैन्युफैक्चर्ड का वो नहीं है। तो अभी निर्देशानुसार नमूने की कार्रवाई की जा रही है, इसके पश्चात जैसा ही प्रशासन का जो निर्देश होगा उसका अग्रिम कार्रवाई होगी। आमजन की शिकायत ने जहाँ फैक्ट्री में व्याप्त अनियमितताओं की पोल खोल दी, वहीं बच्चों को चॉकलेट में इस प्रकार की मिलावट करने वालों पर प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।